हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्यूरन कप 2023 के क्वार्टर फाइनल के नए रूल को लेकर। तो दोस्तों, ड्यूरन कमेटी ने यह कन्फर्म कर दिया है कि क्वार्टर फाइनल के किसी भी मैचेस में एक्स्ट्रा टाइम नहीं खेला जाएगा। तो आप सभी को पता ही है कि कोई भी फुटबॉल नॉकआउट मैचेस में 90 मिनट में अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है, ड्रॉ रहता है, तो 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम खेला जाता है, दो हाफ का एक्स्ट्रा टाइम खेला जाता है। और उस एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई रिजल्ट नहीं आता है तो जाकर पेनल्टीज होता है। लेकिन ड्यूरन कमेटी ने यह डिसाइड किया है और कन्फर्म भी कर दिया है कि क्वार्टर फाइनल के किसी भी मैच में एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा। अगर 90 मिनट में मैच ड्रॉ रहता है तो डायरेक्टली पेनल्टीज ली जाएगी। और ड्यूरन कमेटी की तरफ से ये एक्सप्लेन किया गया है कि टाइम का बचत होगा। और आगे बढ़े और बात करें दूसरे अपडेट के बारे में, तो ऐसा खबर आ रहा है कि नवरम रोशन सिंह केरला ब्लास्टर्स एफसी में साइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल केरला ब्लास्टर्स एफसी मैनेजमेंट के साथ नवरम रोशन सिंह का बातचीत चल रहा है। तो देखना यह है कि आगे क्या होता है नवरम महेश सिंह को लेकर। और उसके बाद आगे बढ़े और बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, एमएल बेनी जो कि 22 वर्ष के अटैकिंग मिडफील्डर है और जिन्होंने लास्ट सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए शानदार परफॉर्मेंस किया था, तो दोस्तों ऐसा खबर है कि एमएल बेनी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को छोड़ सकते हैं। मार्कस मार्गलाओ ने ये कंफर्म कर दिया है। और जैसा कि खबर है कि एमएल बेनी किसी आई लीग के क्लब में साइन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो आई लीग का क्लब कौन सा है इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के क्वार्टर फाइनल मैच के संपर्क में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शानदार परफॉर्मेंस करके ड्यूरन कप 2023 के क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बना लिया है। और मैंने आप सभी को कल ही बता दिया था कि इंडियन आर्मी के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी खेलने वाली है क्वार्टर फाइनल का मैच। 24 अगस्त को शाम 6 बजे से इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में यह मैच होने वाला है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टीम के पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि वो सीजन के शुरुआत में ही, सीजन के पहले टूर्नामेंट में ही, यानी कि ड्यूरन कप 2023 के सेमीफाइनल में अपना जगह बना, बहुत ही अच्छा चांस है। इंडियन आर्मी के पास कोई भी फॉरेनर प्लेयर नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई आ रही है। लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इंडियन आर्मी से काफी ज्यादा आगे है। इंडियन आर्मी के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए मैच ईजी तो नहीं होने वाला, लेकिन दोस्तों डिफिकल्ट भी नहीं होगा मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को इस मैच को जीतने में। और जैसा कि खबर आ रहा है कि मोहम्मद अली बीमैमर जो मोरक्कन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है जिन्होंने हाल ही में साइन किया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टीम को, तो इनका डेब्यू देखने को मिल सकता है हम सभी को। जुआन पेड्रो बेनाली की तरफ से यही खबर आ रहा है। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।